अम्बाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी का काफिला लगातार लंबा होता जा रहा है और कुनबा बड़ा हो रहा है। देर शाम को अम्बाला कैंट मोची मंडी जनेतपुर में हुई मीटिंग में परविंदर परी को जो समर्थन मिला है उससे कहीं ना कहीं कैंट में एक तरफा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। अम्बाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी ने कहा कि हमारी लड़ाई भय व डर के खिलाफ है और यह लड़ाई हमें मिलकर लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा के उस नेता के खिलाफ है जो किसानों के खिलाफ है, जो कर्मचारियों के खिलाफ है, जो व्यापारियों के खिलाफ है। परविंदर परी ने कहा कि सीटी बजाते हुए नकली कांग्रेस वाले आपके बीच आएंगे, उनसे बचना होगा। परविंदर परी ने कहा कि मुझे टिकट मिली तो तकलीफ हुई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, फिर मुझे टिकट मिलने पर तकलीफ क्यों हुई। परविंदर परी ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल गांधी और कुमारी शैलजा का जिन्होंने एक सच्चे सिपाही को टिकट दी, परिवारवाद के खिलाफ टिकट दी। परी ने पार्टी को ही मां समझा है, परी ने कार्यकर्ता को ही बाप समझा है, परी ने कार्यकर्ता को सब कुछ समझा है। जो कुछ है परी आज जो कुछ है सिर्फ आपकी बदौलत है, आप कार्यकर्ताओं की बदौलत है। ये परी ढंगे की चोट पे कह सकता है। मैंने वो समय भी देखा जब लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे थे। डर का माहौल था, भय का माहौल था, पूरे हिंदुस्तान में डर का माहौल था। बड़े बड़े लीडर भी डर रहे थे ईडी से सीबीआई से। हमारी लड़ाई घमंड के खिलाफ है, हमारी लड़ाई डर के खिलाफ है, हमारी लड़ाई युवाओं के खिलाफ है, हमारी बीजेपी के उस नेता के खिलाफ है जो आपके खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है, बीजेपी के उस नेता के खिलाफ है जो हमारी माताओं बहनों के खिलाफ है, बीजेपी के उस नेता के खिलाफ है जो मजदूरों के खिलाफ है, बीजेपी के उस नेता के खिलाफ है जो किसानों के खिलाफ है, बीजेपी के उस नेता के खिलाफ है जो कर्मचारियों के खिलाफ है, बीजेपी के उस नेता के खिलाफ है जो व्यापारियों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई उनके साथ है। अब हमारी लड़ाई एक और शुरू होगी। भाई समझना मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों, हमारी लड़ाई इनके साथ साथ आजाद उम्मीदवार सीटी बजाने वाले को भी खिलाफ है, नकली कांग्रेस के भी खिलाफ है। ये बैठी सारी असली कांग्रेस, सच्ची कांग्रेस, आपने उससे भी बचना होगा, नकली कांग्रेस से भी आपने बचना होगा। भाई परी को टिकट मिली तो पोतों को तकलीफ हुई। मैं पूछता हूं किस लिए तकलीफ हुई, परी में ऐसी क्या कमी थी जो परी से तकलीफ हुई। परी दंगे की चोट पे कह सकते हैं, परी एक सच्चा कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही है। परी ने पूरा जीवन कांग्रेस को दिया है। परी मात्र 15 साल का था जब पहला बूथ कांग्रेस का संभाला था। मेरा परिवार, मेरा खानदान कांग्रेसी, मेरे खून का कतरा देख लो उसमें कांग्रेस निकलेगी। तो भाई परी से तकलीफ क्यों हो रही है, किस लिए परी से तकलीफ हो रही है। परी टिकट ले आया, परी का टिकट पे हक था इसलिए परी टिकट लेके आया। परी उस समय कांग्रेस के साथ था जब कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे थे, कांग्रेस छोड़ के दूसरी दूसरी पार्टियों में जा रहे थे, तब परी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा। परी ने बहुत संघर्ष किया है, परी ने बहुत संघर्ष किया है। मुझे याद है वो पल, मुझे याद है वो दिन जब राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय लीडर, राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी और पीड़ा उठाई थी कि मैं पूरे देश को एक करूंगा, मैं इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। तब उस वक्त हम राहुल गांधी जी की यात्रा में लगे हुए थे। हमने अम्बाला छावनी से जब यात्रा गुजरी, मैंने, मेरे साथियों ने, कांग्रेस के सच्चे सिपाहियों ने यात्रा को कामयाब किया। मुझे वो दिन याद है जो महाराजा ढाबे के सामने वाला पुल है, चार दिन मैं अपने साथियों के साथ वहां पड़ा रहा।